निजीकरण की काली क्रोनोलॉजी। पहले जियो और बीएसएनएल की तरह प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी साथ साथ चलेंगी। प्राइवेट मंडी की सर्विस पेमेंट अच्छा रहेगा और सरकारी मंडी की सर्विस खराब कर दी जाएगी। सरकारी मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, जिससे एफसीआई का बोझ भी कम हो जाएगा। एफसीआई अगर अनाज नहीं खरीदेगा तो पीडीएस सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। फिर सरकार राशन कार्ड धारकों को डायरेक्ट सब्सिडी उनके खातों में पहुंचाने की स्कीम शुरू करेगी और इसका जोर शोर से ढिंढोरा पीटेगी। फिर गैस सब्सिडी की तरह यह सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। आप समझिए कि किसान सिर्फ अपने खेत बचाने के लिए नहीं बैठा है, किसान देश बचाने के लिए बैठा है। पीडीएस अगर खत्म हुआ तो देश में हाहाकार मच जाएगा। जो गरीब आज सरकारी राशन की वजह से रूखा सूखा खाकर पेट भर लेता है, वो भूखा मर जाएगा। जब गरीब भूखा होगा तो अपराध बढ़ेंगे, जब अनाज व्यापारियों के हाथों में होगा तो महंगाई बढ़ेगी, जिससे मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा। आप दिमाग से सोचिए, किसान अपने लायक तो अनाज बचाकर ही बेचता है, आपको अनाज कहां से मिलेगा? क्या अडानी अंबानी आपके लिए भंडारा चलाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं।